फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एवरीवन ओपन योर हिंदी टेक्स्ट बुक, चैप्टर्स 8, भरत मिला। माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए, उनके साथ सीता भी गई। भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे, अपितु सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया। इसलिए कहा है, भाई हो तो भरत जैसा। वन का एक बाग, कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। दृश्य एक, राम, भाई लक्ष्मण जरा देखो तो यह आवाज कहाँ से आ रही है। लक्ष्मण, इधर उधर देखकर, प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। राम, कौन लोग हैं जरा ध्यान से देखो। लक्ष्मण ध्यान से देखकर, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। राम हंसते हुए, भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात शक करने लगे हो, इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। लक्ष्मण उत्तेजित होकर, पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। सीता, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष। अब लक्ष्मण कहते हैं, लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं। अब दृश्य सेकंड, भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। उनकी आंखों में आंसू बह रहे हैं, वे राम के चरणों में पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। अब भरत रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं, आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए, मैं आपको लेने आया हूँ, आप सब अयोध्या चलिए, इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है, निराश न कीजिए प्रभु। अब राम, भाई भरत मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने वन में आया हूँ, वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। एक नागरिक, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा, आपके बिना प्रजा दुखी है, प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। टर्न द पेज। राम कहते हैं, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है, भरत मेरा भाई है, जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा, आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। अब भरत कुछ सोचकर, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, यह मेरी विनती है, उसे स्वीकार करें। राम, बोलो क्या चाहते हो। भरत, मुझे आप अपने पांव की खड़ाऊ दे दे, ये खड़ाऊ लकड़े के होते हैं। राम, खड़ाऊ खड़ाऊ क्या करोगे। भरत, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूंगा। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। तो यहाँ आपका चैप्टर्स 8 फिनिश हो जाता है और आपका फर्स्ट सेमिस्टर का सिलेबस भी फिनिश हो जाता है। तो मैं इसकी PDF भेज दूंगी, तब वर्कबुक में फिलअप कर देना।